नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे खतरनाक विषय में, और वह खतरनाक विषय है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया साथियों वह स्थिति होती है जब आप रात में सोते हों और सोते से आप उठ जाते हों, आपकी सांस रुक जाती हो। यह एक खतरनाक मेडिकल कंडीशन होती है जो कि तुरंत ट्रीटमेंट मांगती है। होम्योपैथी में स्लीप एपनिया की कारगर दवाएं हैं जो आपको लाभ दे सकती हैं। हम आपको बताएंगे स्लीप एपनिया को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं स्लीप एपनिया होता क्या है। स्लीप एपनिया साथियों वह स्थिति होती है जब रात में आपकी कई बार सांस रुकती है और आपकी हल्की सी नींद खुलती है, आपको एहसास नहीं होता है, आप केवल अपने को सुबह थका थका महसूस करेंगे। बगल वाला आपको बताएगा कि रात में आपके साथ यह रिएक्शन हुआ था। तो स्लीप एपनिया वो कंडीशन है साथियों जब आपको रात में बार बार सांस रुकती है और फिर बार बार सांस चालू होती है। इस कंडीशन को स्लीप एपनिया कहते हैं। यह नॉर्मली 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला और सबसे कॉमन जो कंडीशन होती है स्लीप एपनिया की, वह होती है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में आपके जो थ्रोट की मसल्स होती हैं वह रिलैक्स कर जाती हैं और आपकी सांस रुक जाती है और आपकी नींद खुल जाती है। इसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। दूसरी मेडिकल कंडीशन साथियों स्लीप एपनिया की होती है सेंट्रल स्लीप एपनिया। सेंट्रल स्लीप एपनिया वह स्थिति होती है जब आपको सांस लेने के लिए आपके ब्रेन के सिग्नल ही सांस लेने को सही से नहीं भेज पाते हैं अपने सिग्नल्स को, और इससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। उस स्थिति की दवा होम्योपैथी में है बहुत कारगर, लेकिन यह सेंट्रल स्लीप एपनिया कंडीशन है जो बहुत खतरनाक कंडीशन होती है। और साथियों तीसरा जो इसका कैटेगराइजेशन होता है स्लीप एपनिया का, होता है कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया सिंड्रोम। कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया सिंड्रोम वह स्थिति होती है जब आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और सेंट्रल स्लीप एपनिया दोनों होता है, यानी आपकी थ्रोट की मसल्स भी रिलैक्स हो रही हैं और आपका ब्रेन का सिग्नल भी आपको सांस लेने के लिए सही से अपने ऑर्गेन्स को इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा है, तो उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया सिंड्रोम। स्लीप एपनिया के सिम्टम्स साथियों, स्लीप एपनिया के तमाम सिम्टम होते हैं जिसमें कि प्रमुख सिम्टम तो यही है कि रात में आपको बार बार सांस रुकी, आपको एहसास नहीं हुआ, सुबह जब उठे तो बगल वाले व्यक्ति जो आपके अगल बगल लेटा है उसने आपको बताया कि साहब रात में आप कई बार उठे थे, आपकी सांस रुकी थी और फिर दोबारा सांस शुरू हुई थी। दूसरा सिम्टम साथियों स्लीप एपनिया के मरीज का मुँह सूखता है। तीसरा सिम्टम साथियों थ्रोट पे कसाव महसूस होता है, सीने में कसाव महसूस होता है। उसके अलावा जब आप सुबह उठते हैं तो आपका गला चोक लगता है और आपको रात में या सुबह ताज़ी हवा आपको चाहिए, उसके लिए आप जो है बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं और आप में एंजाइटी रहती है। अगर यह सिम्टम्स आप में हैं तो समझ लीजिए हो सकता है आपको स्लीप एपनिया हो। आपके बगल वाला व्यक्ति आपको इसके बारे में बता देगा, आप उससे राय या ले सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। स्लीप एपनिया के साथियों कारणों की बात कर लेते हैं। स्लीप एपनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है कि आपका जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये सबसे कॉमन फिनोमेना होता है और इसमें कारण ये होता है कि आपकी जो थ्रोट के पीछे की मसल्स होती है बैक की, वह रिलैक्स कर जाती हैं। आपका यह जो मसल्स होती हैं ये आपके सॉफ्ट पैलेट को, आपके टॉन्सिल्स को और वॉल्स थ्रोट, इनको सपोर्ट करती हैं। जब यह रिलैक्स कर जाती हैं तो आपका जो अंदर एयर जा रही होती है आपके सीने में, चेस्ट में, वह फ्लो कम हो जाता है। जब वह फ्लो कम हो जाता है तो आपके ब्रेन का ऑक्सीजनेशन, ब्लड का ऑक्सीजनेशन कम हो जाता है और एक मेडिकल इमरजेंसी खड़ी हो सकती है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का कारण आपकी जो थ्रोट के पीछे की बैक साइड की मसल्स हैं उनका रिलैक्स होना है। वो रिलैक्स होकर एयरवे को पतला कर देती हैं और आपके एयर प्रॉपर नहीं जा पाती। दूसरा जो भी बात करी सेंट्रल स्लीप एपनिया साथियों, इसका कारण जब आपके ब्रेन ही सही से सिग्नल सेंड नहीं करता है आपको सांस लेने के लिए और आपको स्लीप एपनिया की दिक्कत होती है, तो वह ही सेंट्रल स्लीप एपनिया का कारण होता है। लेकिन साथियों
अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है, अगर आपको स्लीप एपनिया है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं हैं। हम आपको बताएंगे स्लीप एपनिया को ठीक करने की 10 कारगर दवाएं। उससे पहले साथियों यहाँ बता दें, जैसा हमने 2-3 बार हमने बताया, यह एक मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है। तो अगर आपको स्लीप एपनिया की शिकायत है तो आप एक कुशल चिकित्सक से मिलें, उसे अपनी पूरी बात बताएं और जैसे वह दवा प्रिस्क्राइब करें उस तरह से लें। चलते हैं साथियों, आपको बताते हैं स्लीप एपनिया को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों, नंबर एक दवा जो होम्योपैथी में स्लीप एपनिया की है वह है लिकेसिस। लिकेसिस 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर हर वो व्यक्ति ले सकता है जिसको स्लीप एपनिया है। लिकेसिस का मरीज में नॉर्मली रात को सोने के बाद जो उसके कॉमन सिम्टम होते हैं वह यही होते हैं कि रात को सोने के बाद उसकी तकलीफ पड़ती है, यानी कि आपकी सांस रात में सोने के बाद रुकती है और आपको रात में कई बार उठकर अपनी सांस को वापस रिगेन करना पड़ता है। उस स्थिति में लिकेसिस आपके रेस्क्यू के लिए आएगी और आपको ठीक करेगी। एक साथियों बड़ा कॉमन सिम्टम आता है स्लीप एपनिया का, वह है रात को 12 से 2 के बीच में तकलीफें बढ़ना। अगर रात के 12 बजे आपको स्लीप एपनिया शुरू हो रहा है, आपकी सांस रुकना शुरू होती है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है आर्सेनिक एल्बम। आप आर्सेनिक एल्बम 30 हर उस मरीज को दे सकते हैं जिस मरीज की रात में तकलीफें बढ़ती हों, 12 से 2 के बीच में थोड़ी थोड़ी देर पर उसको पानी पीना होता हो, डेचर उसका फास्टिडियस यानी बहुत प्रॉपर काम करने वाला हो और उससे एंजाइटी हो, बेचैनी हो। तो अगर आपको एंजाइटी की शिकायत है और रात में आपकी सांस रुक रही है तो उसको ठीक करने की बहुत कारगर दवा आर्सेनिक एल्बम है। आप आर्सेनिक एल्बम को लेकर अपने स्लीप एपनिया को ख़त्म कर सकते हैं। एक साथियों बहुत कॉमन कंडीशन आती है स्लीप एपनिया में उन बच्चों को जिनको एडिनोइड्स या टॉन्सिल्स होते हैं, उनको स्लीप एपनिया हो जाता है यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो जाता है। होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है साथियों ऐसे बच्चों के लिए जो उनके टॉन्सिल्स और एडिनोइड्स को भी ठीक करने में मदद करेगी और उनके स्लीप एपनिया को भी ख़त्म करेगी। और दवा का नाम है अमोनियम कार्बोनिकम। आप अमोनियम कार्ब 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपके बच्चे के हिस्ट्री रही हो या उसके प्रेजेंट में टॉन्सिल्स या एडिनोइड्स हों, टॉन्सिल यानी यहाँ पे जो टॉन्सिल ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं, एडिनोइड्स जो नाक के पीछे यहाँ पे ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं, यहाँ जो अगर आपके हों तो अमोनियम कार्ब आपके बहुत अच्छी दवा है। यहाँ आपके बच्चों की छींकों को भी रोकेगी, उनके साइनस को भी ठीक करेगी, एडिनोइड्स को भी ठीक करेगी और स्लीप एपनिया को भी ख़त्म करेगी। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपको हार्ट का कोई ट्रबल है, आपको हार्ट का कोई ट्रबल है और आपके स्लीप एपनिया हो रहा है। तो अगर आपको यह दिक्कत है कि रात में आप जब लेटते हैं तो दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है और आपको सांसें रुकने लगती हैं, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी बहुत कारगर दवा डिजिटैलिस परपुरा है। डिजिटैलिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर वो व्यक्ति ले सकता है जिसको रात में हार्ट की तकलीफ़ों के कारण सांस रुकती हो, आँस सो ना पाता हो ठीक से, जैसे ही लेटता हो उसको धड़कन महसूस होती और आपका लगता हो कि मेरी धड़कन रुक जाएगी और उसकी बार बार नींद खुल जाती हो। अगर यह स्थिति हो साथियों तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी बहुत कारगर दवा डिजिटैलिस है। आप इसको 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में तीन बार लेकर अपने हार्ट को भी सही कर सकते हैं और अपने स्लीप एपनिया को भी ख़त्म कर सकते हैं। एक साथियों स्थिति आती है कि आपको रात में या क्यों कहें सुबह 3 बजे बहुत छींकें खांसी आने लगी और आप कि उसके बाद फिर आप सांस नहीं ले पाते हैं, आपको स्लीप एपनिया की शिकायत है, तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है अमोनियम कार्बोनिकम। अमोनियम कार्ब 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेकर आप अपने सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, अपनी छींकों खांसी को रात की जो सुबह 3 बजे हो रही उसे ख़त्म कर सकते हैं और स्लीप एपनिया को ख़त्म कर सकते हैं। एक साथियों स्थिति आ सकती किसी में कि उनके नेसल पॉलिप हों, मतलब यहाँ नाक की वॉल्स पे जो नॉस्ट्रिल्स हैं इसकी वॉल्स पे आउटग्रोथ हो गई हो, पॉलिप्स बन गए हों, अगर वह स्थिति हो और आपको उसके कारण रात में सांस रुकती हो, स्लीप एपनिया हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सैंगुनेरिया।
आप सेंगुनेरिया 200 पावर को दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके नेसल पॉलिप को भी ठीक करेगी, आपके स्लीप एपनिया को भी ख़त्म करेगी, आपकी छींकों को, स्टफी नोज को भी ख़त्म करके आपकी रात को बढ़िया नींद देके आपको कंफर्ट जोन में ले आएगी। एक स्थिति साथियों आती है कि किसी के एस्थमा हो और उसको स्लीप एपनिया हो, यानी उसकी सांस फूलती हो, एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस हो, दमे की शिकायत हो, उसके दमा हो, ब्रोंकाइटिस हो और उसकी सांस फूलती हो और वो रात में उसकी सांस रुक जाती हो, तो अगर यह स्थिति है साथियों तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में 4 बहुत कारगर दवाएं हैं। आप ये 4 दवाएं ले लें, आपका एस्थमा भी ठीक हो जाएगा और आपका यह स्लीप एपनिया भी ख़त्म हो जाएगा। इसका एक प्रोसीजर होता है, इसमें सबसे पहली दवा होती है नैट्रम सल्फ। आप नैट्रम सल्फ 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार वीकली ले लें। इसके अलावा आप ब्राइनिया एल्बा, आर्सनिक एल्बम और ग्रिंडेलिया 30, यह 3 दवाएं, आर्सनिक एल्बम, ब्राइनिया 30 और ग्रिंडेलिया 30, इनको 30 पोटेंसी में आप तीनों दवा 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आपका स्लीप एपनिया भी ख़त्म हो जाएगा और आपकी एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस भी 1 महीने के अंदर कंट्रोल होगी। एक स्थिति आती है साथियों कि रात में आप जैसे ही लेटे आपके रेस्पिरेटरी सिम्टम आए और आपके सीने को ब्लॉक कर दिया और आप फिर सो नहीं पाए, आपकी सांस बार बार रुकने लगी, तो अगर यह स्थिति हो कि रात में आपको रेस्पिरेटरी कंजेशन महसूस होता हो, सांस लेने में दिक्कत महसूस होती हो, लेटते ही आपकी तकलीफें बढ़ जाती हों, जैसे ही आप लेटे वैसे ही सीने में कंजेशन हो गया, इस स्थिति की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा स्पॉन्जिया है। आप स्पॉन्जिया 30 दो बूंद दिन में 3 बार लेके अपने इस कैफियत को ठीक कर सकते हैं, यानी रात को लेटते ही आपकी तकलीफें बढ़ती हैं सीने की, उस चीज़ को ख़त्म करके अपने को स्वस्थ बना सकते हैं। एक साथियों स्लीप एपनिया का बहुत बड़ा कारण वह है खर्राटे। अगर आपको रात में खर्राटे आते हैं और आपकी सांस रुकती है तो स्नोरिंग को ख़त्म करने की, यानी खर्राटों को ख़त्म करने की और आपकी स्लीप एपनिया को ख़त्म करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है ओपियम। आप ओपियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपकी स्नोरिंग को भी ख़त्म करेगी और आपके स्लीप एपनिया को भी ख़त्म करेगी। एक साथियों स्थिति आती है जब आपको रात के वक्त पसीना बहुत आया, यानी आपके स्वेटिंग बहुत हुई और आपको रात में बड़ी बेचैनी हुई, तो अगर ऐसी स्थिति होती है और उसके बाद आपकी सांस रुकती है जिसमें बहुत पसीना आपको रात में आता है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा सल्फ़र है। आप सल्फ़र व नीम की 3 खुराक 55 फीट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। इस दवा के सेवन से आपको जो है यह स्लीप एपनिया की शिकायत ख़त्म होगी, आपके सीने का जो कंजेशन होगा वह ख़त्म हो जाएगा और आप बढ़िया रात में साउंड स्लीप ले सकेंगे। साथियों स्लीप एपनिया बच्चों में भी हो सकता है, यानी बच्चों की रात में सांस रुकती हो, तो अगर बच्चों में स्लीप एपनिया की शिकायत हो तो उसको ठीक करने का एक बड़ा अच्छा प्रयास सेम्ब्यूकस नाइग्रा के रूप में हो सकता है। आप सेम्ब्यूकस मेडिसिन 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर उस बच्चे को दे सकती है जिसकी रात में सांस रुकती हो, स्लीप एपनिया हो, उसमें बहुत चिड़चिड़ापन हो, तो सेम्ब्यूकस उस बच्चे को ठीक करेगी, उसके रेस्पिरेटरी सिम्टम को भी, लंग्स के सिम्टम्स को भी ठीक करेगी और आपको स्लीप एपनिया से निकाल के बच्चे को रिलैक्स देके रात भर प्यार मोहब्बत से सुलाएगी। ये साथियों को दवाएं थी स्लीप एपनिया के विषय में, रात में बार बार सांस रुकने के विषय में और उसको ठीक करने के विषय में। दवाएं साथियों बहुत कारगर है, लेकिन जैसा हमने कहा स्लीप एपनिया एक मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है, तो इस समस्या के लिए आप एक बार कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करा के राय लेकर ही दवा लें। अगर आपके मन में साथियों कोई क्वेरी हो तो आप हमारे नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको संतोषजनक जवाब दे पाएं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि नीचे नोटिफिकेशन पैनल में दिया गया है उस पर अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। अगर साथियों आपको यह वीडियो समाज के लिए मदद में काम आने की संभावना के रूप में लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और उसे सब्सक्राइब करने को प्रेरित कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन का आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो पाते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद।